हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10, सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में हम स्लोप ऑफ ए लाइन यानी किसी रेखा का ढाल पढ़ चुके हैं। किसी रेखा का ढाल कैसे ज्ञात किया जाता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल कैसे ज्ञात किया जाता है, दी गई दो रेखाओं के यदि दो रेखाओं के ढाल आपको दिए गए हैं तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है इत्यादि। रेखा की ढाल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेखाओं के समीकरण, विभिन्न रूपों में रेखाओं के समीकरण। हमारे टॉपिक्स हैं ये, क्षैतिज रेखा के समीकरण हम पढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण पढ़ेंगे, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण पढ़ेंगे, इसके अलावा दो बिंदु रूप में ढाल अंत्यकन रूप, अंत्यकन रूप और लंब रूप, इन सभी रूपों में हम रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। पहले शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक क्षैतिज रेखा से। देखिए, आपके पास जब कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं, यदि कार्तीय तल एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष है एक्स एक्स डैश और ये वाई अक्ष है वाई वाई डैश और ये मूल बिंदु है, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है और इसके समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी वो सभी की सभी हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं। यानी हमें क्षैतिज रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण, ठीक है, इस वाली क्षैतिज रेखा से हम ज्ञात करते हैं। ये एक्स अक्ष है, जरा यहां बताइए, यहां पर एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मान कितना होगा? 0 0, क्योंकि इसके निर्देशांक है 0 0। इस जगह पर एक्स का मान भी 0 है और वाई का मान भी 0 है। इससे सीधे हाथ की तरफ बढ़ने पर ये जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है भुज, इसका मान चेंज हो जाता है, पॉजिटिव बढ़ता रहता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 एक्स का मान बढ़ता रहता है यहाँ, और इधर की तरफ एक्स का मान कम होता रहता है, -1 -2 -3 -4। लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारा सेम रहता है, इस पूरे पर y का मान 0 रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से तीन इकाई की दूरी पर ये कोई बिंदु ले लूँ, यहाँ पर तो x कोऑर्डिनेट 0 था, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ये इसका मान कब चेंज होगा? जब ये यहाँ से ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा। जैसे 0 के दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ चलने से एक्स कोऑर्डिनेट का मान चेंज हो रहा है, उसी तरीके से मूल बिंदु से ऊपर या नीचे की तरफ जाने पर वाई कोऑर्डिनेट का मान चेंज होगा, यहाँ पर एक्स का मान चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो अगर हमें एक्स अक्ष के समीकरण की बात करूँ तो एक्स अक्ष का समीकरण हो जाएगा हमारा y बराबर 0। क्यों हुआ y बराबर 0? क्योंकि इस पूरे अक्ष पर y का मान 0 है, तो ये हो गया हमारा y अक्ष का समीकरण, ठीक है। कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं। हमने मान लिया कि x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर हमने ले लिया, ये 4 इकाई की दूरी हो गई ऊपर की तरफ, तो इस पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे? भाई एक्स का मान तो 0 है पूरे पर, एक्स का मान 0 है पूरे पर, वाई का मान कितना है यहाँ पर? 4, क्योंकि कितनी दूरी है ये? 4, वाई अक्ष पर 4 इकाई की दूरी चल रहा है, तो इस ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0 4। अब मुझे 4 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। 4 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कौन सी होगी वो रेखा? वो रेखा होगी ये वाली, इस टाइप से जाएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी होगी 4 इकाई, चाहे यहाँ ले लीजिए
चाहे यहाँ ले लीजिए, ये भी चार इकाई, चाहे यहाँ ले लीजिए, ये भी चार इकाई, कहीं भी ले लीजिए, ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर है तभी तो ये दोनों क्षैतिज हैं, ये क्षैतिज है और इसके समांतर सारी रेखाएं क्षैतिज हैं। ठीक है, यहाँ पर y का मान कितना था x अक्ष पर? जीरो, तो समीकरण क्या था? y बराबर जीरो। यहाँ पर कितना है मान y का इस पूरी लाइन पर? भाई x का मान तो चेंज हो रहा है, x का मान इधर बढ़ रहा है दाईं तरफ जाने पर, इधर घट रहा है, लेकिन y का मान सेम है। y का मान इस पूरी लाइन पर है 4, y का मान इस पूरी रेखा पर 4 है, तो इस वाली रेखा का समीकरण क्या हो गया? y बराबर 4 इस वाली रेखा का समीकरण हो गया। इन केस अगर ये 3 इकाई पर होती तो इसका समीकरण हो जाता y बराबर 3। इन केस अगर ये यहाँ होती, नीचे की तरफ होती, -3 इकाई पर, भाई दूरी तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, वहाँ तो माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि दूरी तो हमारी पॉजिटिव ही होती है। हाँ, कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0, -3, एक्स कोऑर्डिनेट का मान यहाँ 0 और वाई कोऑर्डिनेट का मान यहाँ पर -3, लेकिन ये दूरी हमारी कितनी रहेगी? 3 रहेगी, ये इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 3 बनी रहेगी। इस रेखा की समीकरण x अक्ष के समांतर, इस रेखा का समीकरण अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगी? y बराबर -3, क्योंकि इस पूरे पर y का मान कितना है? -3। ठीक है, इन जनरल व्यापक रूप में x अक्ष के समांतर और x अक्ष से ए दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा? ये वही रेखा है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर इधर की साइड या फिर इधर की साइड, और एक्स अक्ष से ए दूरी पर, ए दूरी कितनी भी हो सकती है, पहले 4 ली थी, फिर 3 ली थी, फिर 3 ली थी नीचे की तरफ, दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण हो जाएगा वाई बराबर ए प्लस या फिर माइनस। y बराबर a कब होगा? जब भी x अक्ष ऊपर की तरफ है, और y बराबर माइनस a कब होगा? जब भी x अक्ष नीचे की तरफ है। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण हो गया ये। यानी इन जनरल अगर यहाँ पर a का मान 0 हो जाए, सपोज a का मान 0 हो जाए, तो y बराबर 0 आ जाएगा। y बराबर 0 यानी ये वाला समीकरण, यानी x अक्ष का समीकरण, यानी जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हमारे पास हैं सभी के समीकरण हैं ये y बराबर प्लस माइनस a। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है यानी जो रेखा है वो x अक्ष से ऊपर की तरफ है तो समीकरण हो जाएगा y बराबर a, और अगर रेखा हमारी x अक्ष से नीचे की तरफ है तो समीकरण हो जाएगा y बराबर माइनस है, और ना ऊपर है ना नीचे, x अक्ष पर ही है, यानी x अक्ष का समीकरण उसके लिए हो जाएगा y बराबर 0। तो ये है हमारे क्षैतिज रेखाओं के समीकरण। ठीक है, अगर आपको क्षैतिज रेखाओं के समीकरण समझ आते हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समीकरण इजीली समझ आ जाएंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। देखिए, ऊर्ध्वाधर रेखा की अगर हम बात करते हैं, ये एक्स अक्ष एक्स एक्स डैश, ये वाई अक्ष वाई वाई डैश। ऊर्ध्वाधर रेखा में सबसे पहले हम बात करते हैं वाई अक्ष की, वाई अक्ष का समीकरण। देखिए इधर कितना था एक्स अक्ष का समीकरण? वाई बराबर 0। क्यों? क्योंकि पूरे पर वाई का मान 0 था। सिमिलरली एक्स वाई अक्ष का समीकरण कितना हो जाएगा यहाँ? एक्स बराबर 0। क्यों हो जाएगा एक्स बराबर 0? क्योंकि पूरे के पूरे वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 है। ठीक है, एक्स का मान कब घट बढ़ रहा है? जब इधर जा रहा है या इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 0 है, तो वाई अक्ष का समीकरण हो गया एक्स बराबर 0। वाई अक्ष से ए इकाई की दूरी पर, इन जनरल ले लिया हमने ए, ए का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 1/2, 3/7, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, तो हमने इन जनरल ले लिया वाई अक्ष से ए इकाई की दूरी पर, ये ले ली हमने ए दूरी। ठीक है, इस रेखा का समीकरण यानी y अक्ष के समांतर, ठीक है, और a दूरी पर स्थित रेखा
का समीकरण, यानी किस रेखा की बात कर रहे हैं हम, इस रेखा की बात कर रहे हैं और इसके जैसी समस्त रेखाओं की जो कि वाई अक्ष के समांतर हैं, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए। ठीक है, इस रेखा का समीकरण कितना हो गया, एक्स बराबर ए, जैसे इस रेखा का समीकरण था वाई बराबर ए। ठीक है, अगर वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा है ए दूरी पर वाई अक्ष के दाई ओर, वाई अक्ष के दाई ओर, तो उस रेखा का समीकरण हो जाएगा एक्स बराबर ए। लेकिन अगर वो रेखा बाई ओर हो तो, यानी वो रेखा अगर यहाँ हो, ठीक है, ए दूरी पर ही, तो जब यहाँ था ए दूरी पर तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हो गए थे, ए ज़ीरो, और जब इधर थी तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हो गए, माइनस ए ज़ीरो। यहाँ पर एक्स का मान ए है, ठीक है, और यहाँ पर वाई का, इधर कितना है वाई, एक्स का मान माइनस ए है, इधर एक्स का मान बढ़ रहा है ए है, और इधर एक्स का मान कम हो रहा है माइनस ए है, तो कितना हो गया समीकरण, क्या हो गया समीकरण, एक्स बराबर प्लस माइनस ए। यदि रेखा वाई अक्ष की दाई ओर है तो रेखा का समीकरण हो गया एक्स बराबर ए, यदि रेखा वाई अक्ष की बाई ओर है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो रेखा का समीकरण हो गया एक्स बराबर माइनस ए, दैट्स इट। ठीक है, यानी इसमें सभी ऊर्ध्वाधर रेखाओं का समीकरण छुपा हुआ है। ठीक है, ए पॉजिटिव है तो राइट साइड में, ए नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में, ए जीरो है तो वाई अक्ष, सिंपल। तो ये हो गया हमारी क्षैतिज रेखा का समीकरण और ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण। क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3-3 से होकर जाने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं, बहुत सिंपल है, हमने अभी अभी ज्ञात करना सीखा है। चलिए पहले आप अक्ष बना दीजिए, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ठीक है, वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश और ओ। बिंदु बना लीजिए 3-3, 3 यानी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर 3 इकाई की दूरी, 1, 2, 3। -3 ये बनेगा आपका y अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर, -3 है ना, यानी नीचे की तरफ। x कोऑर्डिनेट तो हमने बना लिया उधर, y कोऑर्डिनेट किधर बनेगा, नीचे, क्योंकि माइनस है, 1, 2, 3। और अगर मैं इन दोनों को मिला देती हूँ, ये वाला ये, तो ये बन जाएगा मेरा 3-3। ये हो गया मेरा कौन सा बिंदु, 3-3, जिससे होकर जाने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। तो बताइए, ये आपके पास पॉइंट है, इससे होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा कौन सी होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जरा नीचे लिख ले रही हूँ, इधर लिख रही हूँ 3-3। इससे होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा होगी, बच्चों देखो ये वाली, ये तो है क्षैतिज रेखा, ये वाली। ठीक है, अब इस रेखा का हमें समीकरण निकालना है। अब पहले क्षैतिज का निकाल रहे हैं, फिर ऊर्ध्वाधर का निकालेंगे। क्षैतिज रेखा कितनी दूरी है, ये है 3 इकाई की दूरी। कितनी दूरी है ये, 3 इकाई की दूरी, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। जब भी हम क्षैतिज रेखाओं के समीकरण के बारे में बात करते हैं तो आता है समीकरण y बराबर प्लस माइनस ए, प्लस कब, जब एक्स अक्ष से ऊपर की ओर है, माइनस कब, जब एक्स अक्ष से नीचे की ओर है। यहाँ पर कहाँ है, एक्स अक्ष से नीचे की ओर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा समीकरण, y बराबर -3। इस रेखा का समीकरण क्या हो गया, y बराबर -3। ये बेटा क्षैतिज रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा का समीकरण। अब जरा हम ऊर्ध्वाधर रेखा के समीकरण के बारे में बात करते हैं, यानी ये तो होगी ऊर्ध्वाधर जो y अक्ष के समांतर होगी, ये होगी। सपोज ये लाइन L1 थी, ये वाली हमने L2 ले ली, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस a, यही होता है। प्लस कब, जब y अक्ष से दाई ओर है, माइनस कब, जब y अक्ष से बाई ओर है। यहाँ पर रेखा कहाँ पर है, ये है ना रेखा,
वाई अक्ष के सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड पर है, तो क्या होगा, एक्स बराबर 3 पॉजिटिव लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में होती तो नेगेटिव लेते। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, y बराबर -3 और x बराबर 3 आ गए हमारे रेखाओं के समीकरण। देखिए वैसे तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समीकरण सबसे सिंपलेस्ट माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा सरल माने जाते हैं, फिर भी इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो यही कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम x बराबर लें या y बराबर लें, यहाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। जब कोई एक्स अक्ष के समांतर है तो y लेना है, y अक्ष के समांतर है तो x लेना है, अब यहाँ प्लस ले या माइनस ले, कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ प्लस ले या माइनस ले, तो जो चीज आपने सीखी है उसको शांत होकर बिल्कुल तब उसको अप्लाई करें तो आपको ना क्लियर हो जाएगा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, x लेना है या y लेना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समीकरण। तो बच्चों आज हमने पढ़ा रेखा के समीकरण के विविध रूप, यानी बहुत सारे टाइप की रेखाओं के समीकरण हमारे पास हैं, जिसमें से हमने दो टाइप की रेखाओं के समीकरण, क्षैतिज रेखाओं के समीकरण और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समीकरण पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, बिंदु -4, 7 से होकर जाने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम शुरू करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी बिंदु ढाल रूप, हम बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो बच्चों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।